यार मुझे स्कूल बहुत ज्यादा पसंद है। काश मैं स्कूल में ही रहता। तो आज हम हमारी सबकी एक फेवरेट जगह के बारे में बात करेंगे, जो कि है स्कूल। स्कूल के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताता हूँ। बताते नहीं हूँ बल्कि दिखाता हूँ, लेकिन अभी रात का वक्त है, सुबह होने दो फिर दिखाता हूँ। अलार्म तोड़ने के बाद आप तैयार होएं, नाश्ता करें और पहुंचे स्कूल। और स्कूल पहुंचते ही मानो या ना मानो, जैसे ही हम क्लास में एंटर होते ये हमारे पहले सवाल होते हैं अपने दोस्त से। ओए होमवर्क किए? पहले पीरियड। यार ये पहले पीरियड ओवर होते ही नहीं है। मतलब आपके पास इतनी ज़्यादा बातें होती कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लेकिन नहीं भाई, पहले पीरियड ओवर हो गई नहीं। और मेरे एक दूसरा मिशन भी शुरू होता है जो कि पीरियड 2 में शुरू होता है। ये जो मेरा मिशन होता है पीरियड नंबर 2 में, वो होता है कि मुझे अपने बैग में से लंच बॉक्स निकालना पड़ता है, चुप चुप के डेस्क में रखना पड़ता है और फिर लंच चुप चुप के खाना पड़ता है। इस बात को कह के मैंने अपने आप को थोड़ा सा एक्सपोज कर लिया और अभी मैं लंच नहीं खा पाऊँगा, शॉर्ट ब्रेक तक वेट करना पड़ेगा। यार देखो भाई, मैं नाश्ता करके भी जाता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता मुझे भूख इतनी ज़्यादा क्यों लगती है। अभी हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि मेजॉरिटी लोगों को बहुत बुरा लगता है, और वो है केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री पीरियड में मैं ऐसे बैठे रहता हूँ, मतलब कुछ समझ आती नहीं। मैं जितने भी कॉन्सेंट्रेट कर लूँ बहुत थोड़ा समझ आ जाती है, लेकिन उससे अच्छे तो चाइनीज़ है, मतलब चाइनीज़ थोड़ी बहुत तो समझ आ जाती है। देखो आपको समझ आई है ना मैंने क्या बोला है? इतने सारे चाइनीज़ पाकिस्तान में आ रहे, ऐसे अच्छे चाइनीज़ ही सीख लें यार। ये क्लैपिंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पीरियड है, इस पीरियड का कोई अपनी स्वैग होता है। मतलब ये पीरियड ओवर होने का नाम लेते ही नहीं है। ये पीरियड इतने लंबा होते हैं, इस पीरियड का एक मिनट जो होता है ना वो एक घंटे का होता है, तो मतलब एक पीरियड 40 आवर्स का। यार लाइक ओवर होती नहीं है। मतलब आप एक तो वो होता है ना कि आप बार बार घड़ी को देखे पीरियड ओवर कब होगा कब होगा, मैं वो भी नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी ओवर नहीं होता। और जब पीरियड ओवर होता है और आपको पता चलता है कि बेटे मेरा आपके साथ अभी सेकंड पीरियड भी है, तो चुपचाप बैठ जाओ, आपका भी दूसरा पीरियड भी है। और जब आपका फेवरेट पीरियड होता है उसका तो भाई 1 मिनट 0.11110000 सेकंड्स का होता है। मतलब जैसे पीरियड शुरू होता है ऐसे खत्म हो जाता है। What? अभी बात करते हैं लास्ट पीरियड्स के बारे में। यार जो लास्ट पीरियड होता है ना, इसमें आपके साथ भी ऐसे होता होगा, इतनी सख्त नींद बंदे को आती है, मतलब बंदे लिटरली ऐसे झूले रह रहा होता है कि यार ये पीरियड कब ख़त्म होगा, मैं घर जाऊंगा और सोऊंगा। और लास्ट पीरियड में जब टीचर कोई मुश्किल टॉपिक समझाए तो वो सारी बातें मतलब ऐसे सर ऐसे जारी होती है, और स्पेशली जब टीचर गुस्से में होती है और बस पढ़ाने लग जाती है, मतलब फिर तो RIP, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता। अभी हम बात करते हैं होमवर्क के बारे में जो कि मेजॉरिटी लोगों को बुरा लगता है। और स्कूल में कभी कभी हमें होमवर्क मिलता ही नहीं है, और कभी कभी जब मिलता है तो इतना ज़्यादा मिलता है कि बंदा उससे कंप्लीट कर ही नहीं पाता। और अगर आप फिर भी उस होमवर्क को कंप्लीट कर पाते तो मेरी तरफ से आपको सलाम यार, मतलब जी जी यार। उसके अलावा मैं आपके साथ एक बहुत फनी बात शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? तो हमारे एक मास्टरमाइंड दोस्त है, मतलब उसका दिमाग एल्बर्टाइन से इससे विदेश चलता है, पुरानी बात है। हमारे टेस्ट हुए थे तो टीचर ने पेरेंट्स साइन मांगे थे, हम सब ने साइन किए थे पेरेंट्स के, तो उसने साइन नहीं किए थे। तो स्कूल आए, टीचर के आने से पहले उसने मतलब खुद से ही पेरेंट्स के साइन कर लिया। लेकिन आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना, डील है मेरे साथ, ठीक है? बिल्कुल ऐसे नहीं करना आपने। तो अभी मैं फाइनली आपके साथ वो बात शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाहता था, लेकिन फियर ऑफ जजमेंट की वजह से, और मैं ये सोचता था कि यार लोग क्या बोलेंगे।
लेकिन फिर मैंने गैरी वी की कोई वीडियोस देखी, लेकिन अभी अभी रिसेंटली उसकी एक वीडियो निकली थी व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डाई। वो वीडियो जब मैंने देखी मैंने कहा इट डजेंट मैटर व्हाट दे थिंक, मतलब जो के जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो आपको मोटिवेट कर सकती है, आप उससे कुछ सीख सकते हैं, तो फिर मैं आपके साथ शेयर क्यों नहीं कर रहा हूँ। मतलब फिर ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है, मतलब आपके साथ एक ज़िंदगी है, लाइक डू समथिंग अबाउट इट। तो मैंने कहा आई डोंट केयर व्हाट दे थिंक और मैं आपके साथ ये बातें शेयर करूँगा बिकॉज इट विल हेल्प यू। तो जैसे कि वीडियो स्कूल टाइप के बारे में थी तो ये टॉपिक भी उससे थोड़ा रिलेटेड सा है, इट्स अबाउट सेल्फ एजुकेशन। तो स्कूल के अलावा ठीक है, मतलब स्कूल का टाइम आप हटाएं ठीक है, उसके अलावा पूरे दिन में आप कितने टाइम अपने आप को देते हैं सेल्फ एजुकेट करने में। मतलब मीम्स वगैरह या टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि आप कुछ सीखें। और ये बात जो मैं करूँ मैं सिर्फ उनसे करूँ जो कि कुछ करना चाहते हैं, जो कि सक्सेसफुल बनना चाहते हैं इंशाल्लाह। तो अगर आप देखें दुनिया में जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं वो हर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। मतलब उनके एक दिन भी ऐसे नहीं गुजरता है कि वो सीखना बंद करें। वो एक कोट है, व्हेन यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो और वो चीज़ें आपके स्कूल में आपको टीच मतलब नहीं करते ठीक है, तो आप अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें। मतलब इंटरनेट पे आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना हर चीज़ के बारे में, और लोग इंटरनेट को मतलब दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। मतलब कि यहाँ पे मतलब लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया इट्स अ बैड थिंग, फ़ोन नहीं होना चाहिए, और मतलब इंटरनेट से अगर आप इंटरनेट को अच्छे तरीके से यूज़ करें आप मतलब इतने ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं ना। मतलब अभी आई डोंट वांट अ ब्रैग, मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इंटरनेट पे ये जो पूरा साल मेरे गुजरे लास्ट ईयर, अभी भी मैं बिज़नेस की वीडियोज़ देखता हूँ, लेसन्स लेता हूँ, और मोटिवेशनल टाइप मतलब जो बड़े बिजनेसमैन हैं ना दुनिया में उनसे उनकी वीडियोज़ मैं देखता हूँ और उनसे मैं सीखता हूँ। और अभी अभी मैंने बिज़नेस बुक्स ली है, मैं ख़ुद से मतलब घर में पढ़ता हूँ उनको, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना वो मुझे मतलब अभी से ही पता है। और कभी कभी जो रियल लाइफ में किसी बिजनेसमैन के साथ मैं मिलता हूँ तो उनसे मैं एडवाइस ऐसे जब लेता हूँ या उनके साथ मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे शौक है बिज़नेस का, मैं सीखना चाहता हूँ, तो वो जो बात करते हैं वो मुझे पहले से ही पता होती है। मतलब ज़्यादा जो बातें वो मुझे बोलते हैं क्योंकि मैंने वो इंटरनेट से सीखी है। मतलब इंटरनेट रियल लाइफ लोग हैं, मतलब वो कोई रोबोट्स नहीं है, मतलब आपकी तरह वो लोग हैं जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज होती हैं, और वो उनके पास जो नॉलेज होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप मतलब इंटरनेट से इतना कुछ सीख सकते हैं, लाइक इट्स ऑल अबाउट अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, मतलब अंदर से वो एक कोट है, इफ़ यू वांट टू सक्सीड एज बैड एज यू वांट टू ब्रीथ ओनली देन यू विल बी सक्सेसफुल। तो मतलब इसको आप फॉलो करें। और जैसे कि मैं बोल रहा था अगर आप यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप और यूट्यूबर्स की वीडियोस देखें, आप देखें वो क्या करते हैं, उसका मतलब आप बिहाइंड द सीन सब कुछ सोचें कि यार अच्छा ठीक है ये बंदी ने शॉर्ट कैसे लिया है। अभी इरफान जुनेजो ने काफ़ी टाइम पहले एक पोस्ट शेयर की थी, उन्होंने बोलते हैं कि अभी तक जितने भी मैंने YouTube के बारे में सीखा है वो सब इंटरनेट से मैंने सीखा है। तो इन सब बातों को करने का ये मकसद है, वीडियो लंबी हो रही है, ये मकसद है कि आपके पास जो घर में फ्री टाइम होता है और आप जब बोर्ड हो रहे होते हैं तो जिस चीज़ के आपका शौक़ है इंटरनेट पे आप उसके बारे में कुछ सीखें कि वो फ्यूचर में इंशाल्लाह आपका काम आए। अच्छा तो बस यार वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आई होप आपने इससे कुछ सीखा हो और आई होप मैंने आपको मोटिवेट किया और आपको ये बातें अच्छी लगी हो। तो मैं शायद एग्ज़ाम्स के बाद मैं एक अपने दूसरे चैनल खोलूं या विंटर वेकेशन में जब भी हो, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं एक अपना चैनल खोलूं जिसमें मैं मोटिवेशनल टाइप वीडियोस दूं और नॉलेजेबल वीडियोस दूं जिससे आप कुछ ना कुछ सीख पाएँ। तो नेक्स्ट वीक मेरे हो रहे हैं एग्ज़ाम्स और मैं अभी काफ़ी टाइम नहीं लेकिन शायद एक दो हफ्ते वीडियोज़ में अपलोड ना करूँ, तो फिर होती है मुलाकात आपके साथ एक दो हफ्तों बाद इंशाल्लाह या उससे जल्द। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। यार तो मुझे किसने बोला था कि वली को अपने व्लॉग्स में लाओ, तो वली से हम एक क्वेश्चन पूछेंगे। वली तुम्हें स्कूल कैसे लगता है? मुझे क्या पता। वेरी नाइस।